te hundas tu pecho, arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu... Hi guys, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ आटे का गुलाब जामुन। दो चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद। फिर उसमें एक कटोरी आटा डालेंगे। फिर उसको कलछी के सहारे भूंजेंगे। देखिए मैं धीमी आंच पर भून रही हूँ, आप लोग भी धीमी आंच पर भूनिएगा। धीरे धीरे ऐसे ही चला चला कर हल्का आंच पर भुनना है। देखिए मेरा आटे का कलर हल्का लाल हो गया है। देखिए कितनी खुशबू अच्छी आ रही है घी और आटे की। सुंधी सुंधी खुशबू आ रही है। देखिए अब मेरा आटा लाल हो गया है। अब इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। और इस पर कलछी के सहारे जितने गठान बने उसको मैं फोड़ लूँगी और उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इधर मैं एक कटोरी शक्कर ले रही हूँ और डेढ़ कटोरी पानी ले रही हूँ। गैस जलाकर शक्कर को मिलाना है ताकि पानी में मेल्ट हो जाए। इधर मैं एक चुटकी हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कलर नहीं है ना कोई केसर है, और दो चार इलायची के छिलके ताकि कलर अच्छा आए। ये थोड़ा सा भी हल्दी जैसा नहीं लगता है। एक चुटकी डालिए एक चुटकी डालने से थोड़ा सा भी कलर सिर्फ देता है, लेकिन एकदम खाने के समय हल्दी का थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि हल्दी डाला हुआ है। फिर इसको अच्छा उबालने देंगे। फिर इधर हमारा आटा ठंडा हो गया है, इसमें इलायची और दो चुटकी नमक डाल दिए हैं और घी एक चम्मच, एक या दो चम्मच घी डाले हैं। फिर इसको घी को पूरे में मिलाकर इसको अच्छा से मसल लेना है ताकि जितने जैसे कि जो घट बना है वो छूट जाएंगे और अच्छे से मुलायम हो जाएंगे। देखिए मेरा आटा अच्छा हो गया है।
एक भी गठान नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके आटे को गूंथ लूँगी। देखिए दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आटे में गूंथ लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही गूंथना है। फिर थोड़ा एक चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि चिकनाहटपन हो। मुलायम डो गूंथना है, ज़्यादा सकेस्त डो नहीं गूंथना है, मुलायम डो गूंथना है। देखिए मेरा इधर चाशनी कितना सुंदर लग रहा है, और मैं एक हाथ एक चम्मच घी लेकर फिर से दोबारा मसाल लेती हूँ। फिर इसको 10 मिनट के रेस्ट के लिए रखते रही हूँ अलग कोने में। चम्मच से चास ठंडा हो जाने के बाद मैं चाशनी देख रही हूँ। अभी चाशनी तैयार नहीं हुई, उसमें थोड़ा सा नींबू का 2-4 बूंद रस डाल रही हूँ, इससे उसका कलर हल्का फट गया है। मेरा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। एक हाथ में लेकर ऐसे मसल कर देखना पड़ता है ताकि चिकनाहट से वो लगे कि थोड़ा थोड़ा कि मतलब कि वो हाथ सट रहा है, छूट रहा है। फिर हम गैस बंद कर देंगे। मेरा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। फिर ये प्लेट को हटाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखे थे जो डो, उसमें एक चम्मच घी हाथ से रखकर कुछ लोगों को फिर से मसलना है। देखिए मेरा डो तैयार हो गया। मैं अब एक छोटे छोटे गोले करके गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि एकदम चिकना चिकना होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो गुलाब जामुन फट जाएगा चाशनी में डालते ही। देखिए कितना सुंदर बन रहा है मेरा गुलाब जामुन। इधर मैं कढ़ाई गरम हो गया है, उसमें एक गुलाब जामुन के आटा डालकर डाली तो ऊपर आ गया, ताकि मेरा तेल गरम हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके एक या दो दो करके मैं गुलाब जामुन डाल रही हूँ सेकने के लिए। ज़्यादा गुलाब जामुन मत डालिए, नहीं तो एक में एक सट जाता है। अभी इसको धीमी आंच पर सेकना है। और एक छोटी चम्मच के सहारे एक एक करके उलट लेना है। अगर बड़ी चम्मच के सहारे लेंगे तो लगकर टूट भी सकता है, इसलिए छोटी चम्मच का ये यूज करना है। देखिए मेरा गुलाब जामुन कितना अच्छा कलर हो गया है। देखिए
इधर चाशनी भी तैयार है। चाशनी में एक एक करके गुलाब जामुन डाल देंगे, डालकर चूल्हे को चालू करके उसको उबलने देंगे, क्योंकि ये आटे का है। अगर एक उबाल नहीं आएगा तो ये आटे का है तो घुल नहीं पाएगा, इसलिए इसमें अच्छी उबाल आने दीजिए। फिर इसको एक बर्तन से ढक दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। देखिए आधा घंटा के बाद मेरा सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा खिले खिले बने हैं, लग ही नहीं रहा है कि आटे का है। आप भी बनाकर देखिए और कमेंट्स में लिखिए कि मेरा गुलाब जामुन कैसा बना है। अगर आपको मेरा गुलाब जामुन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मेरा गुलाब जामुन कैसा बना है। थैंक यू। Que onda su chacho arriba las manos, caballo moreno, pelea.